सरदार। गोवर्धन लाला आज गांव छोड़ के शहर जा रहा है। नरेशमा भागम भाग शुरू हो गई है। सरदार वो कुछ दिनों के लिए जा रहा है और अब तब वापस आएगा जब पुलिस हमारा नामो निशान मिटा देगी। इससे पहले हम गोवर्धन का नामो निशान मिटा देंगे। चलने की तैयारी करो। गाड़ी से नीचे उतर। सुल्तान भाई, रेशमा बहन, आप यहाँ? जहर पिला पिला कर कब तक लोगों की जान लेते रहोगे? नहीं, मैंने कभी शराब का धंधा नहीं किया। वो तो वो कमीना करता था, शेर सिंह। अब शेर सिंह और दामोदर को तो टिकट फाड़ के दे दिया ना ऊपर का। मेरी अभी मरने की उम्र नहीं है, मुझे माफ कर दो। और मौका तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं 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 सुल्तान भाई, नहीं। तुम? मैं ठीक हूँ दीदी। भैया माँ भी आई है? नहीं, माँ की तबीयत खराब है। जवान बेटी फांसी चढ़ने वाली हो तो कौन सी माँ की तबीयत ठीक रह सकती है। भैया तुम मुझे बताओ, तुमने उन कुत्तों को सजा दी? सजा देना कानून का काम है दीदी।
और कानून उन्हें तभी सजा देगा जब सारे सबूत और सारे गवाह हमारे पक्ष में हो। क्या कोई गवाह कोई सबूत तुम्हें अब तक नहीं मिला? मैंने बहुत कोशिश की रेशमा, लेकिन मेरा ट्रांसफर रुद्रपुर नहीं हो पाया और वहाँ का इंस्पेक्टर जनार्दन ना ही कोई सबूत जुटा पाया और ना ही कोई गवाह। कैसा भाई है तू जो अपने भाई के कातिलों को और बहन के बलात्कारियों को आजाद छोड़ दिया? रेशमा, कोई पुलिस वाला अपनी वर्दी के दम पर किसी का खून नहीं करेगा। सारा गांव मौन साधे है और अगर मेरे पास कोई सबूत होता तो मैं तुझे बचाता नहीं, जो ही फांसी पर चढ़ने देता। सच है अमर, सच है मेरे भाई, बाकी सब झूठ है। अरे ना ही तूने भाई को दफनाया और ना ही बहन के फटे कपड़े देखे। मैं चलता हूँ रेशमा। मेरा पास चले तो मैं राजेश के कातिलों को तड़पा तड़पा कर मारूं, लेकिन लेकिन ये सलाखे। कल्ला देखो कौन है, लगता है कोई सताई हुई औरत है। चलो सरदार के पास ले चलते हैं। हाँ। कौन हो तुम? चलो सरदार सुल्तान सिंह के पास। जय हो। ये लड़की कौन है? इसके पीछे पुलिस पड़ी है सरदार, जरूर कोई गड़बड़ है। पुलिस की नजर बचाकर इसको मैं जिंदा लेकर आया हूं। कहीं अभी पुलिस के साथ तो नहीं मिली हुई है? ऐसा कुछ नहीं है सरदार, पहले आप मेरी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आप मेरी मदद जरूर करेंगे। कैसी कहानी सरदार? आज से 2 महीने पहले मैं, मेरा बड़ा भाई अमर, छोटा भाई राजेश, मेरी माँ शारदा झांसी में रहते थे। मेरा भाई वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर है। एक दिन मुझे रुद्रपुर से मेरे नाम की रजिस्ट्री आई, उसमें लिखा था कि मुझे वहां की पाठशाला में टीचर की नौकरी मिल गई है। अरे वो गांव का मामला है और तू शहर की रहने वाली,
वहां जाके एडजस्ट कर पाएगी तू? कैसी बातें करती हो माँ, डैडी भी तो गांव के थे और शहर में आके तुम्हारे साथ कैसे एडजस्ट हो गए थे। वैसे भी माँ, मैं वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, लड़ाई नहीं करने जा रही। अरे चिंता किस बात की माँ, अपने स्टार वाले भैया कब काम आएंगे, जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी है। भाई मुझे तो अपना फर्ज पूरा करना है, चोर को सजा और साहूकार को रिहाई। मान लो दीदी चोर बन गई, क्या तुम उनको भी हथकड़ी पहना दोगे? अरे तू तो ऐसा कह रहा है जैसे वो डाकू बन गई है। नहीं माँ, मैं तो बात साफ कर रहा था, फर्ज से बड़ा खून होता है। नहीं स्मॉल ब्रदर, हमारे रिश्तों से भी बड़ा है फर्ज का रिश्ता, जो कर्ज है हमारी ईमानदारी और हमारी सच्चाई का, जो हमें पूरा करना ही करना है। माँ यहाँ तो कर्ज और फर्ज की बातें शुरू हो गई हैं, आप मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे रुद्रपुर गांव में पहुँचना है। दीदी तुम अकेले जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। क्यों, तुम्हें भी गांव में रहना है क्या? वो इसलिए कि रक्षाबंधन को तुम नहीं आओगी तो मैं खुद गांव चला आऊंगा। तो ये बात है, तो चलो। अच्छा माँ, अच्छा भैया, चलते हैं। चल लड्डू डाला हो पत्तवा। अरे लड्डू क्या लाएगा, मैं डालूंगा। अरे मिर्ची लगेगी मिर्ची। अरे कुछ नहीं है, अरे क्या खेलने का, छोड़ा यार लो। अरे लड्डू जरा देख कौन आ रहा है ये। ए भैया बदलू, ये तो कोनो लड़की लागत है, पर अपने गांव का नहीं। भैया तुम सभी पत्ता उत्ता समेट कर चलते बनो, काहे स्कूल का मामला है और मास्टरनी जी भी आने वाली थी। देखा देख कहीं वही तो नहीं है। हाँ भैया देख ले। बुद्धिराम चौकीदार तुम हो? हम ही हूँ मैम साहब। ओ तो तुम हो, आप लोग स्कूल के कंपाउंड में पत्ते खेल रहे हो और साथ में शराब भी, कितनी गलत बात है। क्या गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है, हम यहाँ के ठाकुर गजराज के नौकर है, वो भी खासम खास है ना। पदलूसी नाम है उर्फ बादल, जो हम करते हैं ना वही सही करते हैं। अब जब स्कूल बंद है तो हम क्या करें? बोलो बोलो हम क्या करें? ठीक है ठीक है, जाओ तुम लोग। चौकीदार तुम हमें रहने का कमरा दिखा दो। चलिए टीचर जी। अलवे तेरा संभाल के ले जाना। ये तुम संभाल के जाना, हमारी परवाह मत करो। हे पछुआ, काहे परवाह नहीं होगी, हमारे गांव में टीचर जी आई है तो परवाह तो होगी। वैसे भी स्कूल हमारे ठाकुर गजराज के जमीन पे बना है, समझा कहा? आ गया पछुआ शहरी। लेकिन अब गवर्नमेंट का है। ए मैम साहब, अभी गांव की गवर्नमेंट ठाकुर गजराज है, कल सुबह सलाम ठोकने आ जाना, समझा? ए लड्डू लाला। हां भैया चल बे, बहुत चच रहा है। चलो भैया चलता हूँ मैम साहब, चल बे। चलिएगा पीछे जी। अच्छा बुद्धिराम। हाँ जी। स्कूल में कुल कितने बच्चे आते हैं? बच्चे आने की बात कर रही हैं आप? अरे यहाँ तो बूढ़े भी नहीं आते। राम राम मास्टर रानी जी। राम राम। अच्छा हेडमास्टर साहब कितने बजे आते हैं? वैसे अब आने का समय हो गया है। अच्छा दीदी अब मैं चलता हूँ, वैसे भी कल रक्षाबंधन है, तुम समय पर घर चलिए ना, वरना 12 बजे के बाद मैं आ जाऊंगा। क्या राजेश बाबू आप भी राखी के पीछे पड़ गए हैं? क्या तुम्हारे कोई बहन नहीं है? अरे दुनिया में हम बिल्कुल अकेला हूँ, हमारा कोई बहन नहीं है, इसीलिए तुम्हें रक्षाबंधन का महत्व नहीं मालूम है। अगर ये बात है तो मैं आपको राखी बांध दूं? राखी की तुम बेइज्जती कर रही हो दीदी, ये तो ऐसा बंधन है जो भाई बहन का फर्ज अदा करता है और वादे के मुताबिक अपनी जान दे देता है। अगर ये बात है मेरे भाई तो मेरा भी तुमसे वादा है कि तुम पर कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो तेरे लिए ये बहन अपनी जान भी दे देगी। रेशमा बेटी, रेशमा बेटी। हेडमास्टर दीनानाथ जी आप? हाँ बेटी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं मास्टर जी, हमें घर घर जाकर बच्चों के बारे में बात करनी है ताकि वो पढ़ लिख सकें। मास्टर जी यहाँ ठाकुर गजराज गोवर्धन लाला दामोदर शेर सिंह की इजाजत के बगैर घरों में चूल्हे नहीं जलते, बच्चे क्या पढ़ने आएंगे? अच्छा मैं जाके देखती हूँ। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ। अच्छा राजेश बाय। आइए। बिद्दी के प्यादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट वाली जमीन पे काम नहीं करेगा? और तूने ये सोच कैसे लिया कि हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? मालिक,
रात दिन खटा था, पीके पानी चाहिए था, ऊपर मजदूर नहीं मिले थे, ये खाते हम शहर जाना चाहते हैं। ओ, शहर जाना है तुमको? भेजूंगा तुमको ले जाने के लिए, मैंने इंस्पेक्टर को बुलाया है। नहीं मालिक नहीं, वो बहुत पारद है, वो कर नहीं बुलाओ, हम काम पर जाएंगे मालिक, हम काम पर जाएंगे मालिक। काम पे जाओगे ना? जाएंगे मालिक जाएंगे। आइंदा ऐसा कभी नहीं बोलोगे? नहीं, ना नहीं, नहीं, नहीं। जाओ यहाँ से। माजरा क्या है? गधों के सिंह निकल आए हैं। कहो तो मार मार के तोड़ डालो साले को। उनको तोड़ देगा तो काम कौन करेगा तेरा बाप? सरकार भाई जी ना, भाई जी स्कूल में पढ़ाने आई है। तुम्हारा मतलब है स्कूल फिर से खुल गया? हाँ। ये तो अच्छी बात है, गांव के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, बड़े बन जाएंगे। ये क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? अगर वो पढ़ लिख गए तो बही खाता पढ़ने लगेंगे, फिर मेरे ब्याज का क्या होगा? ओ, ये तो हम सोचा ही नहीं। तुम तो आगे लाला, वो शेर सिंह और दामोदर नहीं आए? आ गए हम पीछे पीछे ठाकुर। कुछ करो ठाकुर, वरना इसके दारू का धंधा तो चौपट हो ही जाएगा, मेरे भट्टी का भी भट्टा बैठ जाएगा। सुन रहे हो तुम इंस्पेक्टर, ये हमारे दो दोस्त कितने बहादुर हैं, एक औरत से डर गए। अरे बेवकूफो, वो हमारे स्कूल में पढ़ाने आ रही है, तुम लोगों का काला चिट्ठा देखने नहीं आ रही है? बदलो। हाँ सरकार। कैसी है ये टीचर? सरकार हमें तो ठीक नहीं लगी, पर क्या करें, गवर्नमेंट का जो मामला है। यहाँ की गवर्नमेंट हम है हम। सरकार सरकार यही कहते रहे हम, यही कहते रहे, पर क्या करे, साला ठोकने नहीं आई। क्या तुम अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? ये गांव में पढ़ाई लिखाई कोई बच्चा ना करे, ये गांव के गवर्नमेंट का ऑर्डर है। कौन है यहाँ की गवर्नमेंट? तुम्हारा ठाकुर गजराज? अरे पुलिस और कानून भी तो कोई चीज है। मासनी, कानून और पुलिस ठाकुर गजराज की तिजोरी में ऐसे बंद है, समझी? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले मैं यहाँ की पुलिस को तो देख लूँ। जाइए जाइए, निपटिए, बहुत बखत है तुम्हारे पास। चलो बे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई कराएगा? अरे क्या बताए बदलू भैया, बात न करे इससे। आइए। अरे भाई आप टीचर हैं, कलम चलाइए, बच्चों को पढ़ाइए, कहाँ इन गवारों के चक्कर में पड़ गई हैं आप? आपको इनकी फिक्र होनी चाहिए, आपने इसके घाव देखे हैं? तो इसकी मरहम पट्टी मैं कराऊं? आज ये आपके साथ आ गया है, कल जब इसकी अतड़ी की भूख रोटी के लिए पुकारेगी ना, तो ये फिर उसी ठाकुर गजराज के कदमों में गिरा पड़ा होगा और बुरे बनेंगे आप और हम। अरे ये गुलाम है, गुलाम। गुलाम नहीं इंस्पेक्टर, बेबस और मजबूर है। जा भाई मजबूर, जा रिपोर्ट लिखा जाके जा। मसरानी जी, हम रिपोर्ट नहीं लिखेबे, अगर हम रिपोर्ट लिखेबे तो ये थानेदार हमका रात में थाने में बुलाएंगे, हमरी खाल खींच लेबे, हम रिपोर्ट नहीं लिखेबे। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हैं, आप अपना ये असूर बदल दीजिए, वरना मैं कमिश्नर और डीएम तक पहुंचूंगी, मैं यहां से ये जंगल राज मिटा कर रहूंगी। ओके ओके, जा भाई रिपोर्ट लिखा जाके। राम सिंह इसकी रिपोर्ट लिखो। बाबूजी मैं एक बात पूछूं? पूछो। आप कोई भी काम करते हो तो ठाकुर जी के कहने पर ही क्यों करते हो? इसलिए क्योंकि ये डरते हैं। तुम कौन हो बेटी? वैद जी, ये गांव की नई मास्टरनी है। नमस्ते मास्टरनी जी। वैद जी आप क्या चाहते हैं, कि पूरा गांव ठाकुरों की मार खा खा कर अपने जख्म खुले लेके घूमता रहे? जिसकी तकदीर में जो लिखा हो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप जख्मों का इलाज कर सकते हैं। ये तो रात को चैन की नींद सो जाएगा, और ठाकुर है मुझे उल्टा लटका देगा। मैं ये कहना चाहती हूँ वैद जी, कि भगवान ने आपको धनवंती बनाया है, आप बेफिक्र होकर इनका इलाज कीजिए, वरना वरना मरने के बाद आप भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो बेटी, दरअसल डर और दहशत की वजह से मैं ठाकुर के दबाव में आ चुका था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इसका इलाज अवश्य करूंगा, अवश्य, तुम चिंता मत करो। वैद जी आप गांव वालों का इलाज कीजिए, मैं ठाकुरों का इलाज करने शहर जा रही हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बेटा तो रुद्रपुर पहुँच जाना और रेशमा से राखी बंधवा लेना। बेटा आज बहनों का दिन होता है। माँ मैं रुद्रपुर भी जाऊंगा और दीदी से राखी भी बंधवा लूंगा, वैसे छोटू तो सुबह निकल गया ना ट्रेन से। हाँ। मैं भी चलता हूँ। अच्छा बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बिग ब्रदर? अरे दीदी आप, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। छोटू वहाँ पहुँचा ना?
जब मैंने कहा था कि मैं यहाँ आ रही हूँ, फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? हाँ पकड़ो माँ, चल राखी बांध बेटी। लाओ भैया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। भैया भैया मुझे गांव तक छोड़ दो। अरे तू अभी अभी तो आई है और जाने की बात कर रही, आखिर बात क्या है? भैया सुबह मैं डीएम के बंगले पे गई थी, गांव की हालत ठीक नहीं है। देख रेशमा तू मेरी बात गौर से सुन, तू सिर्फ अपने काम से काम रख। अरे जमाना बहुत खराब है। अमर ठीक कहता है बेटी, कभी कभी दूसरों की मदद करने वाला खुद ही फंस जाता है। माँ जब मदद करने की ठान ही ली है तो फिर डर कैसा? माँ इसको समझाना बिल्कुल बेकार है, मैं चलता हूँ। रेशमा तू रुक, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं माँ मैं छोटे के साथ ही खाना खाऊंगी, वो अब तक भूखा होगा, बिना राखी बंधवाए वो खाना कहाँ खाता है। माँ मैं चलती हूँ। बेटे लगता है तेरी बहन आज नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो देर से आएगी। जा बेटे तू खाना खा ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जा बेटे। नहीं नहीं जब तक मेरी बहन मुझे राखी नहीं बांधेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे भाई तुम्हारी बहन आ जाएगी फिर तुम उसे राखी भी बनवा लेना, पहले चल के खाना तो खा लो। नमस्ते नमस्ते, यहाँ पर एक स्कूल की टीचर रहती है, उसका पता बताएंगे आप? कहाँ गई मुझे मालूम नहीं। फालतू बकवास बर्बाद मत कर, ये रहा मास्टरनी का भाई। ओ मास्टरनी का छोटा भाई सीखना है। अरे बेटा ये बताओ तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? क्या काम है आपको? छोटा सा काम है, हम सब मिलकर उसका चीर हरण करना चाहते हैं। तेरे को मारना भी नहीं आता, मैं दिखाता हूं। अगर तुमने जबान खोली तो तुम दोनों का भी यही हाल होगा, समझा? इस खून को याद रखना। क्या करें? भैया भैया राजेश 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 मेरे भाई क्या हो गया तुझे? मास्टर जी मेरे भाई को किसने मारा? बेटा हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। चौकीदार तुम बताओ, तुमने तो देखा होगा। हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम राजेश मेरे भाई, मैं उन कमीनों से तेरे खून का बदला जरूर लूंगी। बता मैं तो तेरा गला काट दूंगी। ठाकुर गजराज और पतलू ने मारा है। ठाकुर नहीं बचेगा तू। सरकार ठाकुर ठाकुर तुम में से कोई भी मेरे हाथ से नहीं बचेगा, मैं तुम लोगों को चुन चुन कर मारूंगी, समझे? चुन चुन कर मारूंगी। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, इस स्कूल टीचर का हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, लगता है इसकी पढ़ाई में कुछ खामियां रह गई हैं। टीचर जी पढ़ाने आई हैं। टीचर जी चलो। इधर चलो।
चलो अदालत चलना है। पहले ये बता, तूने मेरे भाई की लाश का क्या किया? ठाकुर ने कहा है उसे तेरे भाई को सौंप दी जाए और इसका इल्जाम बदलू के सर रहे जिसका कत्ल तूने किया है। तू सुअर की औलाद है जनार्दन, मेरी एक बात नोट कर ले, एक दिन मैं तेरा हिसाब किताब जरूर करूंगी। हिसाब किताब, हिसाब किताब तू मेरा क्या करेगी? पहले देख अदालत तेरा क्या हिसाब करती है। हाँ एक बात और नोट कर लो, मैंने तुम्हारे लिए ऐसी FIR दर्ज की है कि तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। चलो तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुलजिमा रेशमा सिंह को बदलू उर्फ बादल सिंह के खून के इल्जाम में दफा 302 के तहत यह अदालत उसे फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। बंद गई गई इच्छा देने आई थी, मुजरिम बनकर जा रही है रे। उसके बाद अदालत ने मेरी तकदीर में फांसी की सजा लिख दी। अदालत के बाहर मेरा भाई भी आया था, लेकिन वो भी क्या कर सकता था, सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। भाई की अर्थी उसने कहीं तफरा दी होगी। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ रेशमा। मैं चाहती हूँ सरदार कि आपका सहारा पाकर मैं कुत्तों का खात्मा कर सकूं और अपने भाई की कसम का बदला ले सकूं और उस गांव से अत्याचार का दमन कर खुशहाली ला सकूं। हमें तुमसे हमदर्दी है रेशमा, क्योंकि हम खुद ऐसे ही जुल्म सितम की भट्टी में तपते तपते तलवार बन चुके हैं। रेशमा, मेरी बेटी रानी राजीव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। भाई साहब हम लोग तो बस थोड़ा सा यूं ही बैठ कर। अच्छा अच्छा, इसमें डरने की क्या बात है? भाई साहब आज इसका मूड नहीं है काम पे जाने का, हम बस ऐसे ही। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, इसमें डरने की क्या बात है? मैं भी यही कह रहा था कि पहले काम फिर कुछ। शादी के बाद तो रानी को घर गृहस्थी संभाल ली है, फिर मौका कहाँ मिलेगा इसे। जाओ अभी तो टाइम है, डांस वांस करो, घूमो फिरो। जाओ बेटे ऐश करो, जाओ जाओ, फिर मौका तुम्हारा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, जाओ जाओ बेटे चल। हेलो, मैं हाँ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, बंदा हाजिर है। कंप्लेंट दर्ज करवाई है। कंप्लेंट दर्ज करवाने से क्या होता सर, हम तो आप ही का नंबर खा रहे हैं सर, आप ही का। आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ भी होगा आपकी मर्जी से, आप चिंता मत करिए सर, बिल्कुल बेफिक्र। ओके सर, ओके सर। इस एंगल से भी फोटो लो। और रेशमा, पुलिस हमेशा की तरह कभी न खत्म होने वाली तहकीकात शुरू कर दी। ठीक है, मैं देखती हूँ। लखन सिंह,
इस तरह से मैंने अपना इंतकाम पूरा किया। मैंने एक एक दरिंदों को चुन चुन के मारा। अब हम तुम्हें ऐसी दोधारी तलवार बनाएंगे जो इन वैश्यों के चीथड़े चीथड़े उड़ा देगी। हमारा हुनर, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सरदार, इसका भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, कहीं वो हमारे दरमियान आ गया तो? सरदार, जिस भाई ने इन तीन महीनों में अपने छोटे भाई के कातिलों का कुछ ना किया हो, क्या उसके बीच में आ जाने से रेशमा अपना रास्ता बदल देगी? नहीं सरदार, नहीं। रेशमा मर जाएगी लेकिन आपके गिरोह के प्रति हमेशा वफादार रहेगी। जय महाकाली। भाई के कातिलों को चुन चुन कर मारूंगी। मैं काली की सौगंध खाती हूं। ऐसे क्या बात है, लगा निशाना। जरा संभल के जा, जा। तेरा जवाब नहीं। अरे शंभू, माले जल्दी जल्दी काम कर। हो जाएगा मालिक, आज काम खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा मालिक। अरे जल्दी करो, शाम तक काम खत्म करना है। हाँ भाई हाँ। डाकू सुल्तान सिंह। रेशमा, जेल की दीवारें रेशमा को नहीं रोक सकी। जानता है क्यों? क्योंकि मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना था तुझसे, और वो बदला है तेरी मौत। दामोदर, मरने के लिए बस दो गज जमीन ही चाहिए।
क्या बकते हो लाला? रेशमा डाकू बन गई और उसने दामोदर को मार डाला। ठीक है, मैं इंक्वायरी करता हूँ। सठिया गए हो यार तुम, इंक्वायरी क्या करोगे? क्लियर कट डाकुओं के मारने का केस है। तुम्हें पता है रेशमा जाकर सुल्तान से मिल गई है। रेशमा सुल्तान से मिल गई है? जी हाँ। अगर रेशमा सुल्तान से मिल गई है तो समझो अपनी लुटिया डूबी। जिस तरह तुम्हारी तूती बज रही है ना, ये लग रहा है कि लुटिया डूबने के पहले तुम डूब जाओगे। खैर इन सब बातों को छोड़ो, चलकर दामोदर की अर्थी को कंधा देते हैं और गजराज से पूछते हैं ये रेशमा और सुल्तान का करना क्या है। हाँ चलो, तूती बजाते रहते। रेशमा, किस सोच में डूबी हो? सरदार, मैं सोच रही हूँ कि मैं उन कुत्तों का खात्मा कब करूंगी। अभी भी 3 लोग बाकी हैं, जिनमें से एक इंस्पेक्टर जनार्दन है। उनकी चिंता तुम छोड़ दो, हमारी गोली पे उनका नाम लिख दिया गया है। सरदार, जब आपने कलम चलाने वाली के हाथ में बंदूक थमाई थी तो एक वादा भी किया था कि उन कुत्तों की मौत मेरी बंदूक की गोली से ही होगी। समझ गया, तुम अपने मन की भड़ास निकालना चाहती हो। तुम्हारे मन की भड़ास तभी निकलेगी जब उनका शिकार तुम खुद करोगी। ठीक है रेशमा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खिलौने ले लो, खिलौने, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, हरी नीली पीली गुड़िया ले लो। खिलौने वाली, अरे खिलौने कैसे दिए? अरे भैया पहले मोटर कैसे? 5 रुपया में। 5 रुपए में उल्लू समझती है? 2 रुपए में देगी। अरे उल्लू बनाना होता तो मैं उस गांव से इस गांव में कहे आती? गाँव वालों को उल्लू बनावे खाते। अरे भाई उल्लू बनाना हमारा काम नहीं है। हाँ, हम तो खिलौने बेचते हैं। का नाम है तुहार? हमारा नाम मोना है। मोना, हमें मोना कहते हैं, जानते हो क्या? अरे मोना हो या सोना, अरे हमको हमार गोरी के वास्ते मोटर गाड़ी दे देना और इसमें हम लोग बैठ के घूमेंगे, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे। पहले 5 रुपया निकाल, फिर खिलौना ले। हाँ एक दे खिलौने वाली, अभी तो 5 रुपया नहीं है। जिस रोज डाकू को फोना इनाम लूंगा ना, अरे उस रोज 5 रुपए दे, क्या 500 दे दूंगा। अच्छा तो डाकुओं का अड्डा जानता है क्या? अरे ये ससुरा अड्डा वड्डा नहीं जानता बेवकूफ है, बेवकूफ। पर तुझे डाकू से क्या लेना देना? यूं ही पूछ लिया। अरे कुछ दाल में काला जरूर है। सच बता कि तू है कौन? तू क्या इंस्पेक्टर है जो इतनी इंक्वायरी कर रहा है? अंग्रेजी मार रही है। अरे हम गांव के चौकीदार है, चौकीदार फूल के नहीं, पूरे गांव के क्यों इंस्पेक्टर? खिलौने चाहिए जो मुझे पुलिस स्टेशन में बुलवाया? मुझे तो तुम खिलौने वाले से ज्यादा डाकुओं की मुखबिर लगती हो और मेरा पूरा शक तुम पर है। अच्छा, अगर ये शक मैं आप पर करूं तो? क्या बकवास कर रही हो? माई बाप, आप तो एक मिनट में नाराज हो गए। जरा सोचिए, मैं गरीब लड़की हूँ, खिलौने बेचकर अपना पेट पालती हूँ। अगर आप भी मुझे डाकुओं की मुखबिर समझेंगे तो फिर मैं आपके बारे में ऐसा तो सोचूंगी ही ना। बहुत पटपट करती हो, चलो भागो यहाँ से। माई बाप, एक बात कहूँ? एक नहीं, 2 बात कहो, लेकिन ये माई बाप वाली बात नहीं कहो जो मैं नहीं हूँ। अरे माई बाप, अब गवर्नमेंट ही तो माई बाप है ना। वैसे एक पति की बात कहूँ? मुझे भी डाकुओं की तलाश है। डाकू? तुम्हें क्यों डाकुओं की तलाश है? इनाम जो लेना है। वैसे सुल्तान पर इनाम तो है ना? इनाम है, पहले डाकुओं को तलाश करो, उसके बाद इनाम की बात करो। चलो दफा यहाँ से, बहुत दिमाग खाती हो चाप। आओ इंस्पेक्टर आओ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। ठाकुर ऐसी खबर है, पता है गांव में एक नई छोकरी आई है और साली बड़ी रसीली है। क्या बात है इंस्पेक्टर, क्या बात है। जिस तरह भवरा फूल का रस चूसता है, उस कनीज को हमारे पास लेकर आओ, हम उसका रस चूसेंगे। नहीं ठाकुर, सुना है कि वो छोकरी डाकुओं के मुखबिर है। अगर डाकुओं के मुखबिर है तो इधर क्या लेकर आएगा? जाओ उसे गिरफ्तार करके अंदर कर। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब,
ये क्या है? ये तो ऐसे कांप रहा है जैसे इसके बाप की मृत्यु हो गई हो। वो डाकू रेशमा और सुल्तान ने मिलकर दामोदर की तरह शेर सिंह को भी बिल्ली बना दिया है। जाता कहाँ है? उस लाश का पंचनामा नहीं करना है क्या? ठाकुर, लाश का पंचनामा करो, जलाओ, कुछ भी करो, मुझे अपनी जान बचानी है। मैं जाता हूँ। साला डरपोक इनका, इंस्पेक्टर की वर्दी पहनता है, इसको तो और कोई नौकरी करनी चाहिए। इंस्पेक्टर जनार्दन, FIR दर्ज कराने से रेशमा और सुल्तान जैसे डाकुओं का नामोनिशान नहीं मिट जाता। उनके आतंक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 2 मौतें हो चुकी हैं और आगे न जाने कितनी होंगी। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं रेशमा के चक्रव्यूह में पूरी तरह से घिर चुका हूं और उसके डाकू घोड़े पर बैठे हुए मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। बस एक गोली चलने की देर है कि मेरे प्राण पखेरु उड़े। बड़े बुजदिल हो तुम जनार्दन। मुझे शक ही नहीं, यकीन है कि रेशमा को डाकू बनाने में तुम्हारा हाथ जरूर है, इसलिए मैंने रेशमा के भाई अमर को इस केस के लिए चुना है। मैं कहूं सर? आओ आओ। अमर, शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि जिस रोज तुम जेल में रेशमा से मिलने गए थे उसी रोज वो जेल से भागी थी। क्या? और जेल के जेलर का भी यही कहना है कि उसे भगाने में तुम्हारा हाथ। ये सरासर झूठ है सर, ये मुझ पर इल्जाम है सर। मैं जानता हूँ और कमिश्नर साहब भी ये जानते हैं कि अमर वर्दी में रहकर अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता, और यही वजह है कि कमिश्नर साहब भी मेरी बातों से सहमत है। लेकिन अमर, अब जबकि रेशमा और सुल्तान का आतंक रुद्रपुर पर काले बादलों की तरह मंडरा रहा है, मौत का तांडव हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम इस मौत के तांडव को खत्म करो ताकि जेलर का तुम पर लगाया हुआ बेबुनियाद इल्जाम भी भूल जाए। ये रहा तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर, आज से तुम रुद्रपुर के इंचार्ज हो। लेकिन सर ये, मैं जानता हूं तुम्हें कहना चाहता हूं ना कि रेशमा तुम्हारी बहन है, तुम्हारे हाथ हमेशा उसे आशीर्वाद देने के लिए उठे हैं, इस कलाई पर राखी के धागे का प्यार है, लेकिन तुम्हारा फर्ज भी तो है। सरदार की जय हो। कौन नारायण सिंह, क्या खबर लाए हो? खबर यह है सरदार, इंस्पेक्टर जनार्दन इस थाने से बदली करवाकर यहाँ से 100 कोस दूर भोजपुर थाने में चला गया है और यहाँ कोई नया इंस्पेक्टर आया है। वो भी जनार्दन की तरह यहाँ से बदली करवा लेगा और अगर टिकने की हिम्मत करेगा तो मारा जाएगा। तोला, देखा क्या? क्या? अरे डाकुओं के नाम पर इनामी पोस्टर लग गए हैं, लगता है ये नया इंस्पेक्टर जरूर कुछ करेगा। चाचा, वो कुछ करे ना करे, मैं तो अपना काम पूरा करूंगा। क्या करेगा? मैं डाकुओं को पकड़वा कर अपना इनाम लूंगा। अच्छा? और अपनी गोरी के साथ में शादी करूंगा। शक्ल देख अपनी, शादी करूंगा। अरे सेहत देखी क्या? क्यों? डाकू सामने आएंगे तो बोलती बंद हो जाएगी, शादी करूंगा। चाचा, मैं बैठे में इलाची, खड़े में लौंग लगते हैं। अबे ओ इलाची पहलवान, अपनी उम्र देख, अपनी ऊंचाई देख। अरे लगता है आजकल के इंस्पेक्टर गवर्नमेंट के घर जवाई बन गए, खुद तो कुछ काम करते नहीं, बस इनाम रखते हैं। अरे ये लोग तो किसी के लायक नहीं है भैया। अरे एक तो सारे नामर्द है नामर्द। मैंने कहा ना ये सब एक नाटक था, मैं देखना चाहती थी कि इंस्पेक्टर अमर क्या वाकई बहादुर है
ये इंस्पेक्टर जनार्दन की तरह डाकुओं के आगे घुटने टेक कर भाग जाएगा। तो तुम मेरा इम्तिहान ले रही थी? हाँ। आखिर क्यों, मैं पूछ सकता हूँ? कहा ना, तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा ले रही थी और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तुम खिलौने वाली बनी तो हो और लगती नहीं हो, तुम हो कौन? मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, पर आप अपना फर्ज निभाइए। Oh,
दरवाजा हरिया, घबराए हुए क्यों? घबराने वाली बात है सरदार, वो नया थानेदार, उसने जगह जगह दीवार पर आपके पोस्टर लगवा दिए हैं और सरदार 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है, जिंदा या मुर्दा। 50,000 का इनाम, वो 5 करोड़ भी रख दे हमारे ऊपर इनाम, कोई मैकलाल हम तक पहुंच नहीं सकता, और हम उनका खात्मा करके रहेंगे। थाने से लगा उसका घर है, कहो तो थावा बोल दे। रेशमा, उस थानेदार के यहाँ चलने की तैयारी करो। मैं वहां अकेली जाऊंगी सरदार, ये इंस्पेक्टर मेरा शिकार है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं भी आता हूं। मैं सोते हुए आदमी पर गोली नहीं चलाती। उठ। माँ, तू? रेशमा, मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना रखा है तूने? माँ, ये लिबास मैंने जानबूझकर नहीं पहना है, बल्कि यहाँ के कुत्तों ने मुझे पहनने पर मजबूर किया है। रेशमा, मेरी बच्ची, तू कानून के हवाले कर दे अपने आप को, अमर तुझे बचा लेगा। माँ, तू अमर की बात कर रही है? जो 3 महीनों में कुछ ना कर सका, वो अब क्या करेगा? उस वक्त वो मजबूर था मेरी बच्ची, लेकिन आज वो थाने का इंचार्ज है। साफ साफ क्यों नहीं कहती माँ कि मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं और भाई को तरक्की मिल जाए और मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाऊं? नहीं मेरी बच्ची, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। माँ, तू चाहे ना चाहे, पर भाई एक बार जरूर चाहेगा, वो मेरे पीछे आया है तो अपनी ड्यूटी निभाए, मेरे इंतकाम को चुनौती ना दे, वरना तू अपने भाई की जान ले लेगी। मार मार और मार, जी खोल कर मार, मगर भाई से कह दे कि यहाँ से अपनी बदली करवा कर कहीं और चला जाए। You are under arrest, रेशमा। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं अपने आप को कानून के हवाले करूंगी अमर, पर अपना बदला पूरा करने के बाद। भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दूंगा। अमर, रिवॉल्वर रख ले, मैं तेरी सगी बहन हूँ और कोई भी अपनी सगी बहन पर गोली नहीं चलाता। पर एक पुलिस वाला एक डाकू पर गोली चला सकता है। ये मेरा भाई है। चलो मेरे साथ। आज तो तूने अपनी लाडली को बचा लिया माँ, वरना आज मैं उसे अरेस्ट कर लेता। अरेस्ट कर लेता? जा, उन्हें अरेस्ट कर जिन्होंने तेरे सगे भाई की जान ले ली। जा, उन्हें अरेस्ट कर जिन्होंने तेरी बहन का बलात्कार कर दिया। अरे, उन्हें मारनी ही है तो उन लोगों को मार जिन्होंने तेरी माँ के सीने पे बेटे और बेटी के दुखों की कील ठोक दी है। जा, तब मैं तुझ पे नाश करूंगी। इंस्पेक्टर अमर और तुम्हारा खून का रिश्ता है रेशमा, वो तुम्हारा भाई है। गोवर्धन और गजराज के बीच एक दीवार है, वो दीवार तुम गिरने नहीं दोगी तो तुम अपने दुश्मनों का खात्मा कैसे करोगी? बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। रेशमा जब तक अपना बदला नहीं ले लेती उसे मौत नहीं आएगी। मेरे और मेरे दुश्मन के बीच में जो भी दीवार आएगी वो गिरा दी जाएगी। तुम क्या समझती हो, क्या तुम अकेले ही डाकुओं को पकड़ लोगी? कोशिश कर रही हूँ। मेरे डैडी भी सस्पेंड हुए थे इंस्पेक्टर, जेलर धर्म अधिकारी, वो धर्म को मानने वाले थे,
रेशमा ने ऐसा अन्याय उनके साथ क्यों किया, बोलिए। तो क्या तुम जेलर धर्माधिकारी की लड़की हो? जी। तुम्हारे डैडी ने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मैंने रेशमा को जेल से भगाया, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खैर मोना, हम दोनों की मंजिल एक है, रेशमा को कानून के हवाले करना। और अगर हम दोनों एक हो जाएं, तो ये मुश्किल भी हल हो सकती है। मैं आपके साथ हूँ। और हाँ, जब तक रेशमा का पता नहीं चल जाता, तब तक तुम इसी खिलौने बेचने वाले के भेष में रहोगी, ताकि हम जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंच सके। ठीक है सरदार। गोवर्धन लाला आज गांव छोड़कर शहर जा रहा है। रेशमा भागम भाग शुरू हो गई है। सरदार, वो कुछ दिनों के लिए जा रहा है, और अब तब वापस आएगा जब पुलिस हमारा नामो निशान मिटा देगी। इससे पहले हम गोवर्धन का नामो निशान मिटा देंगे। चलने की तैयारी करो। गाड़ी से नीचे उतर। सुल्तान भाई, रेशमा बहन, आप यहाँ? जहर पिला पिला कर कब तक लोगों की जान लेते रहोगे? नहीं, मैंने कभी शराब का धंधा नहीं किया। वो तो वो कमीना करता था, शेर सिंह। अब शेर सिंह और दामोदर को तो टिकट फाड़ के दे दिया ना ऊपर का। मेरी अभी मरने की उम्र नहीं है, मुझे माफ कर दो। हा? और मौका तुम्हें नहीं दूंगा। नहीं 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 सुल्तान भाई, नहीं। मर गया हरामजादा। चलो को। अकेली कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ, उसमें डरने वाली कौन सी बात है? क्यों, तेरा घर कहाँ है? सुना है तू कहीं भी अपना डेरा जमा लेती है? अपनी मर्जी की मालिक हूँ, किसी का हक थोड़ी बनता है मुझ पर। पुलिस वाला हूँ ना, इतना तो हक बनता है कि रियाया की रक्षा करूँ। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कोई तो है मेरी हिफाजत करने वाला। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। चल। चांद हूँ एक आवारा।
बंजारा सा। देखी है घटा सावन की धनक, महसूस भी की फूलों की महक। ओ देखी है घटा सावन की धनक, महसूस भी की फूलों की महक। ऐ जान मेरी देखा ही नहीं, अंदाज किसी में तुम्हारा सा। मैं चांद हूँ एक आवारा सा, तारों में एक बंजारा सा। छोटी सी मेरी ख्वाहिश है, छोटी सी मेरी ख्वाहिश है, कोई साथी मिले एक प्यारा सा। ओ कोई हाबों में आई, झिझकी हुई थी थोड़ी शर्माई। इस दिल को छू कर गुजरा है, एहसास किसी का कुंवारा सा। मैं चांद हूँ एक आवारा सा, तारों में एक बंजारा सा। छोटी सी मेरी ख्वाहिश है, छोटी सी मेरी ख्वाहिश है, कोई साथी मिले एक प्यारा सा। ओ मैं चांद हूँ एक आवारा सा, तारों में एक बंजारा सा। कहाँ खो गई? तुम्हारे ख्यालों में। गौरी, ए गौरी, क्या है? अरे पास आ जाना। देखता नहीं है क्या मैं पत्ते तोड़ रही हूँ? बाबूजी ने कहा है दवाई के लिए ले आना। अरे इधर देख, तेरे लिए घी के मीठे मीठे लड्डू लाया हूँ। मेरे लिए लाया है? जाजा, किसी और को देना। हाँ मेरे लिए लाया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ गौरी। तू और मुझसे प्यार करता है? उल्टी सीधी बात की ना तो तुम्हारे कान खींच के रख दूंगी। हाँ ए गौरी, लगता है तू डरती तेरे बापू से, वो मानेगा नहीं ना। अरे जब मैं डाकुओं को पकड़कर इनाम लूंगा ना तो तेरा बाप मान जाएगा। लेकिन तू मान जा गोरी, तू मान जा। तू और डाकुओं को पकड़ेगा ये मुंह और मसूर के दांत। डाकुओं को देखेगा ना तो खुद ब खुद बेहोश होकर जमीन पे गिर जाएगा। मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं हिम्मत करूंगा भले ही मैं मर जाऊँ। हाय दैया, ऐसा मत कहो, मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे गौरी इसी बात पर खाले मीठे मीठे लड्डू। बहुत मीठे हैं ये लड्डू। मीठे नहीं, खट्टे होते हैं। डोला, अभी अभी तुम गौरी से कुछ बोल रहे थे ना डाकुओं के बारे में। क्या तुम जानते हो उनका अड्डा कहाँ है? नहीं अड्डा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कल वो मंदिर में जरूर आएगा। कल? कल क्या है? शनिवार। वो हर शनिवार को काली के मंदिर में माता टेकने आता है। कौन? सुल्तान? नन्हे तुम मुझे बताओगे कि डाकुओं का अड्डा कहाँ है? साहब मुझे नहीं मालूम।
रेशमा ने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी, क्या डाकू बनने के बाद वो तुमसे मिली? साहब, वो मुझे मिल जाते तो मैं उसका कदम चूम लेता। साहब, वो डाकू नहीं है, वो मसीहा है। मसीहा थानेदार साहब, वो काली का अवतार है। मैंने तुझसे उसकी जन्म कुंडली बताने के लिए नहीं कहा, मुझे चाहिए उसके अड्डे का पता। जल्दी से उसके अड्डे का पता बता, वरना हथकड़ी डालकर तुझे जेल में सड़ा दूंगा। मुझे मालूम होता तो मैं बता देता। इंस्पेक्टर अमर, डाकुओं का अड्डा तो नहीं, कल सुल्तान काली के मंदिर जरूर आएगा। काली के मंदिर? इंस्पेक्टर साहब, हर शनिवार को जो काली के मंदिर में आता है वो भी पूजा कर रहे हैं। अब नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर साहब, एक बात बोलूं, इनाम तो डोला को ही मिलना चाहिए, है ना? मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुम दोनों ये सुन लो, ये खबर किसी को ना हो, ताकि वो हमारे चंगुल से बच ना पाए। अरे नन्या, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे हरिया, मैं तुझे ही खोज रहा था। मुझे? कल मंदिर में सुल्तान के लिए जाल बिछाया पुलिस ने। क्या बात कर रहा है? हाँ। जाल बिछाया? हाँ। मैं अभी जाके सरदार को बताता हूँ। हाँ, जा, जा, जा। सरदार, सरदार की जय हो। सरदार, खबर मिली है कि कल काली के मंदिर में आपको खतरा है, पुलिस जाल बिछा रही है। सरदार, शेर को डरा रहे हो? तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि माँ काली के दर्शन के लिए मैं हमेशा अकेला जाता हूँ। माँ काली की इच्छा के बगैर कुछ होता नहीं। अगर उसने जिंदगी लिखी है तो माइकलाल मुझे नहीं मार सकता। ये बात है तो हम पुलिस का मुकाबला करेंगे। ये चेहरे की परेशानी को हटाओ, बड़ा तैयार है? जी सरदार। जल्दी करो। आज पता चलेगा कौन शेर है और किधर है। जय काली माँ। काली माँ, तू तो पापियों का विनाश करने वाली है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि अपनी पूजा भक्ति करने वालों को हमेशा खुश रखती है। जिसकी एक मिसाल है डाकू सुल्तान, वो भी तेरा भक्त है। लेकिन माँ, वो मेरी बहन को अपने पाप के नाम में डुबो कर बर्बाद कर देगा। वो अन्याय है माँ, अन्याय। और तू न्यायाधीश, न्याय तेरे हाथ में है माँ, और जो तू न्याय करेगी ना वो ठीक होगा। माँ तू न्याय कर, और अगर माँ तू न्याय करना चाहती है तो हम पुलिस वालों का साथ दे, जो हमेशा अपने फर्ज के लिए इन पापियों का विनाश करते रहते हैं। हाँ माँ। काली की जय हो। माँ, रुक जाओ सुल्तान सिंह। रिवॉल्वर फेंक दो इंस्पेक्टर। चलो सरदार। हाँ चलो, जल्दी चलो रेशमा। सरदार की मौत नहीं हुई है,
वो आज भी हमारे बीच हैं। वो अमर हो गए हैं। लेकिन अब सरदार कौन बनेगा? मैं बनूंगा। मैंने इस दल की सबसे ज्यादा वफादारी की है। बिल्कुल नहीं, सरदार का कहना था उनके बाद सिर्फ रेशमा ही सरदार बनेगी। सरदार और औरत? मुझे सरदारी नहीं, अपना इंतकाम लेना है। सरदार चाहे जो भी हो, लेकिन सुल्तान के वादे के मुताबिक उसे मेरा साथ देना है। हाँ, अगर आप लोग चाहो तो मुझे बीच मजार में छोड़कर जा सकते हो। बिल्कुल असंभव है रेशमा, हम सब मरकर भी तुम्हारा साथ निभाएंगे और हमारी सरदार रहोगी तुम। क्यों साथियों, जय महाकाली। जय महाकाली। ठीक है हरिया, तो पता लगाओ कि गजराज इस वक्त कहाँ है और इंस्पेक्टर अमर की गतिविधियां क्या हैं। ठीक है सरदार। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। समझ में नहीं आता तो ऊपर वाले पर छोड़ दो। अमर, हमने साथ साथ मंजिल तय करने का फैसला किया है। यूं ही 24 घंटे सोचते समझते रहोगे तो सारी उम्र बीत जाएगी। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? क्या सब कुछ मुझे ही कहना होगा? तुम कुछ नहीं कह सकते क्या? आई लव यू। नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है? गौरी कहाँ है? अबे सुना तू मेरी गौरी के पीछे पड़ा हुआ है? पीछे तो पड़ा हूँ चाचा, वो क्या ना, मुझे शादी करनी है। शादी करनी है? अबे शादी करने के लिए टंडन गोपाल चाहिए, नोट चाहिए, रुपए। अरे रेशमा को पकड़वा कर रुपए नाम में लूंगा ना चाचा। मैं एक जरूरी बात बताऊं, सुल्तान की खबर इंस्पेक्टर साहब को मैंने दी थी। वो हर शनिवार को काली के मंदिर में आता है। अच्छा, इनाम मिला? इनाम तो अभी नहीं मिला चाचा, मगर मिलेगा जरूर। सुल्तान का तो राम नाम सत्य हो गया। सुन, तुझे मैं कई बार समझा चुका हूँ, अगर गौरी से तुझे शादी करनी है ना तो मुखबरी करना छोड़ दे, छोड़ दे मुखबरी करना। पर चाचा, रेशमा के नाम का क्या होगा? अबे उल्लू के पट्टे, तुझे मालूम नहीं रेशमा बेटी ने इस गाँव के लिए क्या क्या नहीं किया? वो तो मालूम है चाचा, कान पकड़ के बोलता हूँ चाचा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन चाचा अभी तो बता दो ना, गौरी कहाँ है? पत्ते तोड़ने गई। पत्ते पत्ते तोड़ने गई है? थैंक यू चाचा, थैंक यू। कमाल। हाँ, इसमें डाल दो। डाल देता हूँ। ये सब तोड़ के क्या करेगा तू? क्या है? ये दवाई के बहुत काम आती है। अच्छा, ऐसा बाबूजी कहते हैं। अच्छा, कितने होशियार तेरे बाबूजी। अरे अरे जंगल में मत जाओ। यार तू यही रहा यार, जल्दी चल, चलते चल, उतर के उतर के उतर के उतर उतर उतर। अरे 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 रुक जा रे। अरे अरे अरे
गौरी, गौरी मेरी बेटी। गौरी, अरे कैसे हो गया मेरे बच्चे? गौरी, गौरी मुझे छोड़ के चली। देख रही हो ना माँ, अपनी बेटी के गिरोह की कारस्तानी। अब न जाने ये किस किस की जान लेगी, और इसकी जैसी कितनी बेटियां बिना सुहागन बने मरेगी। अगर वो ऐसा कर रही है ना बेटा, तो भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा बेटा। लाखन सिंह ना ही अब तक हरिया आया है और ना ही कल्ला टल्ला, कहाँ रह गई ये सबके सब? सरदार की जय हो। आओ हरिया, क्या खबर लाए हो? बहुत बुरी खबर है, कल्ला और टल्ला दोनों मारे गए। क्या? और हमारे घोड़े भी पुलिस के कब्जे में हैं, उनके जरिए वो यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। इसका मतलब है कि ये अड्डा हमें खाली करना पड़ेगा? हाँ सरदार, लेकिन एक खुशखबरी भी है। क्या है वो खुशखबरी? ठाकुर गजराज सिंह आज रात अपनी बेटी उषा की शादी कर रहा है। जनार्दन वहाँ जरूर आएगा। खबर पक्की है? 16 आने पक्की। लाखन सिंह। जी सरदार। चलने की तैयारी करो, आज मेरे दोनों दुश्मन एक साथ हैं, जनार्दन और कचराज। मंगलम गुणी राजा मंगलाचरण हरि मंगलम उद्धार करिए दूला जना सहज
दिलों पे मैं बिजली की रातों पीछे पड़ी है, और पीछे पड़ी है दीवानों की टोली, और पीछे पड़ी है दीवानों की टोली, चाहे चल जाए चुका है। बेहतर यही होगा कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तुम्हारे सारे साथी मारे जा चुके हैं। रेशमा रुक जाओ, रेशमा रेशमा रुको, रुक रेशमा। बदले की आग में मैंने मौत का खेल खेला है, लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ माँ, मुझे तेरी गोद मिली, मैंने अपनी कसम पूरी कर ली माँ, मैंने अपना बदला ले लिया माँ, मैंने अपनी कसम पूरी कर ली माँ। ये क्या हो गया माँ? जंगल के बीहड़ में मरने पर धरती की गोद मिलती है, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ माँ, मुझे तेरी गोद मिली,
माँ, मैंने अपना बदला ले लिया माँ, मेरी मेरी कसम पूरी हो गई माँ। रेशमा, रेशमा, भगवान न करे कभी किसी की बेटी डाकू बने। Oh,